हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम इस कंट्री में है जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक टू की रिपोर्ट में बताया था उन्होंने बताया कि इंडिया में कुल मिलाकर थ्री मिलियन यानी कि तीस लाख प्रोस्टिट्यूट्स हैं और सी एसडब्ल्यू कमर्शियल सेक्स वर्कर्स पूरे इंडिया में गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक तीस लाख प्रॉस्टिट्यूट हैं लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट जिसके अंदर दर्दनाक हालात और किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है प्रोस्टिट्यूशन का उसे डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया है कि अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिलियन यानी कि तकरीबन डेढ़ से दो करोड़ कॉन्स्टिट्यूट हैं इंडिया में और बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस का सेंटर इंडिया समझा जाता है हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये एक ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है कई टाइप की सेक्सुअल स्लेवरी वगैरह कई सारी चीजें होती है तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम सिस्टम जिस चीज़ पर डिपेंड होता है वो का क्या हो जाएगा जब हमने देखा नेचुरली जब डिमांड बढ़ेगा पहले तो विडोज और डिवॉर्सिस की शादियां हो जाएगी डाउरी का सिस्टम खत्म होगा बच्ची पैदा होगी वालिद को कोई टेंशन नहीं होगा विमेन विल बी बे बेटर लुकड आफ्टर फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ गया है तो दो तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा प्रॉस्टिट्यूशन का नंबर वन कि औरतें उस चीज में जाने से रोक दी जाएगी क्योंकि जब इतना डिमांड नेचुरल और हलाल और जायज तरीके से होगा जब एक लॉफुल तरीके से उनका ख्याल विथ रिस्ट्रिक्शंस विथ लिमिटेशंस जब मर्द रखेंगे जब एक मर्द को इजाजत दी जाए कि वो लीगली शादी कर सकता है एक से ज्यादा बीवी रख सकता है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बन जाए अगर इंटरनेशनली सोसाइटी में तो हम ये देखते हैं इसका रिजल्ट और आउटपुट ये होगा कि औरतें बेटर टेकन केयर ऑफ होगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि बेटर टेकन केयर ऑफ होने की वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाएंगी कई सारी रिपोर्ट्स है जिन्होंने कंक्लूड किया है कि बहुत सारी औरतों को हालात फोर्स कर देते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाएं और उन हालात की वजह से वो इस मजबूरी के अंदर ये प्रोफेशन तक पहुंच जाती हैं जाहिर सी बात है कौन सी औरत ये प्रेफर करेगी कि वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए हम ये देखते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से रोक दी जाएगी औरतें उस चीज़ में जाने से और ये भी पॉसिबल है कि उसमें से बहुत सारी जो हैं जैसे हमने देखा कि विडोज एंड डिवॉसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो उसमें से बहुत सारी होती हैं जो मजबूरी के तहत जिनका गलत फ़ायदा सोसाइटी उठाने लगती है तो हम ये देखते हैं कि ये सब रोक दी जाएंगी और एक नेचुरल क्योर हो जाएगा ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आ जाएगा जिसमें अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स चाहता है के उसके पास एक और पार्टनर हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता है उसके हुकूक को अदा कर सकता है उसके राइट्स को दे सकता है उसको वो संभाल सकता है उसको ऑनर दे सकता है सोसाइटी में तो ही वो शख्स आगे बढ़ सकता है तो हम ये देखते हैं कि विद इन द लॉफुल लिमिट्स ये एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है जिसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है इनशाला